my God, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं यासर शमून खान एक मुकामी पार्क में इस वक्त मौजूद हूँ। मैंने जैसे कि आपसे वादा कर रखा है कि माशरे के उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊँगा जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ करने, कुछ मार्का मारने या फिर कोई अपने फ़न का लोहा मनवाने की ठान रखी है। मैं उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊँगा जो प्रमिनेंट होते हैं माशरे में और उनकी वजह से माशरा जौन सा है उसकी एक शनाख्त बनती है। ये मैंने आपसे वादा कर रखा था, ये मेरे प्रॉमिस में चीज़ मौजूद थी कि मैं आपकी उन लोगों से मुलाकात करवाऊंगा जो दुनिया से हट के हैं, जिनके अंदर एक अनमोलपन है, जिनके अंदर खूबसूरती है, जिनके अंदर तरोताज़गी है और जिनका जिनकी मौजूदगी जौन सी है वो एक ऐसा खुशनुमा, एक ऐसा हसीन एहसास है कि लगता है कि वो कहते हैं शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा और मेहदी हसन साहब ने गाया हुआ है कि गुलों में रंग भरे बादिनो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की ना इतनी खूनहार स्टूडेंट, ना इतनी खूबसूरत रू खुश शक्ल और एक बड़ा इंसान हमारे साथ इस वक्त जन्नत मौजूद हैं। हम आपको आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदी। अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया इतने खूबसूरत तारुफ का। तो आप मुस्कुराती बड़ा खूबसूरत हैं, आपकी मुस्कुराहट से बात शुरू करते हैं जी। क्या इसमें क्या राज है, इसमें ऐसी क्या चीज़ छुपी हुई है कि आपकी मुस्कुराहट बड़ा अट्रैक्ट करती है अपनी जानिब? आई थिंक मुस्कुराना भी एक सदका जारिया है। अगर आप किसी को कोई चीज़ नहीं दे सकते या किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते और एक डिप्रेशन में एक उम्मीद नज़र आती है, और मैंने हमारे बहुत सारे जो कम्युनिटी मेम्बर्स हैं वो बहुत डिप्रेस रहते हैं और लोगों के बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स और इस तरह के नफ़रत अंगेज जुमले सुनते हैं, तो आई थिंक उसका सबसे अच्छा जवाब मुस्कुराहट है। उसका बेहतरीन जवाब जो उनसे मुस्कुराहट है। मुझे उन लोगों पे भी हंसी भी आती है कि मुस्कुराहट बहुत डिफरेंट तरह की होती है। जन्नत एक हसीनो जमील ट्रांसजेंडर होने के साथ साथ नाज़रीन नहायत ही होनहार, नहायत ही काबिल स्टूडेंट भी हैं और इनके जवाब से इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो गया ये हाज़र दिमाग भी हैं और हाज़र जवाब भी हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली MBA में एक बहुत नुमाया पोजीशन हासिल की है और MBA इन्होंने किया है, पढ़े लिखे तरीन इंसान हैं ये, इसके बारे में थोड़ा सा पूछते हैं कहाँ से आपने? जी MBA मैंने UCP से किया, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से, और ना कि सिर्फ MBA किया है, मैं पूरी यूनिवर्सिटी में पोजीशन होल्डर हूँ, डिस्टिंक्शन हाँ मैंने हासिल की थी अपने पूरे बैच में। वेरी नाइस जी। बड़ा मुश्किल है, आम लड़की को कोई नहीं गिनने देता और ट्रांसजेंडर हो और वो भी इतनी खूबसूरत हो, उसे पढ़ने कौन देता है? ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, काफ़ी सारे चैलेंजेस थे तो, लेकिन आई थिंक ये चैलेंजेस को फेस किया इसी वजह से आज शायद आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं, बड़ी पर्सनैलिटीज जौन सी हैं वो डिज़र्व करती हैं नाज़रीन कि उनको हम इंटरव्यू करें। मेरा नहीं दिल करता कि कभी मैं शेख रशीद को इंटरव्यू करूँ, आप यकीन जानिएगा। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं उनका इंटरव्यू करूँ। आप उनका इंटरव्यू करें? अच्छा, उनमें और अपने अंदर आप क्या सिमिलरिटी समझती हैं? हाँ, वो मुझे लगता है कि वो हम जो कहते हैं वो करते हैं और वो जो कहते हैं वो नहीं करते, वो नहीं करते। देखना चाहती हूँ ऐसे इंसान के साथ बातें करके और पूरा इंटरव्यू सारी गुफ्तगू के दौरान क्या होगा। माय गॉड नाज़रीन कैसी मज़ेदार और दिलचस्प बात है कि हमारे ट्रांसजेंडर्स के हवाले से लोग कितनी कितनी अजीबोगरीब बातें बनाते हैं और उन्होंने आज शेख रशीद साहब को ये दबंग सा चैलेंज कर दिया है कि जो हम कहते हैं तो वो करते हैं और जो वो कहते हैं वो नहीं करते, और मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसे लोग कैसे होते हैं। तो बाहर तो मैं तो इन लोगों के जुर्मट में रहता हूँ ये शहद की मक्खियों की तरह, क्योंकि मैं कैंकर हूँ
और मेरे साथ चिपटे रहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इनसे अपनी जान छुड़ाऊँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि चैलेंजेस की बात कर रहे थे, पढ़ना बड़ा मुश्किल है आम आदमी के लिए, पढ़ाई लोगों के लिए एक नफ़रत का बायस बनती चली जा रही है। मैंने बच्चे टिकटॉक बनाते हुए तो देखे हैं, स्नैपचैट तो करते हुए देखे हैं, मैंने बच्चों को डेटिंग करते हुए तो देखा है, पढ़ते हुए नहीं देखा। अब मैं इस चीज़ को बारबार नहीं कहूँगा कि ट्रांसजेंडर ये जन्नत है और मैं यासर शमून हूँ और हम में और इनमें कोई इतना ख़ास फ़र्क ही नहीं है। अच्छा जन्नत मुझे ये बताइए कि आपको मुश्किल तो बड़ी पेश आई होगी। जी मुश्किल बहुत पेश आती थी और आती थी नहीं अभी भी आती है। मुझे लगता है हर एक दिन एक नया चैलेंज है, हर दिन एक नई तरह का सिनेरियो सामने आता है जिसके लिए हम पहले से रेडी होते हैं। यू नो प्रोएक्टिव अप्रोच है। आई थिंक आप मेरी इतनी तारीफें कर रहे हैं तो मैं आपको राज भी बता देती हूँ कि मेरी कुछ चीज़ों का ये आगे सर्वाइव करने का और इतनी सारी अल्लाह ताला ने जो मेरे से काम करवाने थे, आई थिंक वो अल्लाह ताला ने मुझे चुना हुआ था इन कामों के। अच्छा, इन कामों के लिए चुना। हाँ मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे चुना हुआ था और वो जितनी मर्जी लोग मेरे बहुत सम टाइम हमें कम्युनिटी से भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है। आपको पता जेलसी तो हर इंसान में इट्स वेरी कॉमन, तो ये नहीं मैं कह सकूँगी कि हमारी कम्युनिटी में फरिश्ता हैं हम एंजल्स हैं, नहीं वहाँ पे भी होती है, रेजिस्टेंस भी आती है, लेकिन मैं बहुत प्यार से हैंडल करती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर जब आपको रेजिस्टेंस आती है इट मीन्स कि आप में वो कुछ है, आप में कुछ है, जो लोग है बेचैन कर, अंदर की बिजलियाँ कड़कना शुरू हो गई हैं भैया, बाहर की भी खड़कती हैं बहुत ज्यादा, बाहर की भी खड़क जाती हैं और इन्होंने हमें देख के आपको देख के ओह माय गॉड ये दिल की धड़कन इतनी क्यों फास्ट होती चली जा रही है। वो इन कहते हैं कि चुन लिया मैंने तुझे सारा जहां रहने दिया। वाह आप बहुत अच्छी शेर शायरी करते हैं। ना करना था ये दिल के क्या फसाई होंगी आपने। फसाई तो नहीं है, नहीं मैं कहा मुझे शर्म आ रही है ऐसी बातें ना करें, मुझे लज्जा सी महसूस। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि यूनिवर्सिटी में आम ही ट्रीट लोग करते थे जैसे आम लोगों को किया जाता है, या फिर आपसे थोड़ा सा डिफरेंट था, या हर कोई आपको, मेरे कहने का मतलब कि गुजरते हुए टच करना चाहता था ऐसे करके, या फिर कोई आपको कोई अलग बड़ी फाहिश किस्म की स्माइल पास करने की कोशिश करता था, या फिर आपको कोई खा जाने की नज़रों से देखता था, या फिर आपसे अपने आप में और आपके दरमियान में कोई दूरी बनाना चाहता था। ये हमारे माशरे की जहालत का एक ऐसा बड़ा अंसर है जिसे हम नाज़ी नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। ये सारे एक्सपीरियंसेस नहीं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर शायद मैं अपनी आइडेंटिटी ओपन करके जाती अपने जेंडर एक्सप्रेशन के साथ तो शायद मैं पढ़ ना पाती, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो तब कानून नहीं था। इस वजह से मैंने इस पे काम शुरू किया अपने कुछ हमारे सीनियर एक्टिविस्ट हैं उनके साथ मिलके। तो आई एम वेरी लकी, मेरा ड्रीम था कि कानून पास करवाना जो अल्लाह ताला ने मुझे उस चीज़ में फोरफ्रंट पे रखा अपने बाकी टीम के साथ, और हमने ये कानून पास करवाया 2018 में। इसलिए मैं क्या कानून था, ये प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट था, जो ये कहता है कि ट्रांसजेंडर ख्वाजसरा से किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, वो बेशक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, कोई गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हों, हेल्थ केयर सेक्टर्स हों, कहीं पे भी हों, और सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी यानी हम अगर कहते हैं कि हम ख्वाजसरा हैं या ट्रांसजेंडर हैं तो हमें कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं, जिस तरह मर्द और औरत प्रूफ तो नहीं लेके आता कि 100 लोग अंगूठे लगा रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं, असल मर्द हैं आप तो फिर आपको आईडी कार्ड मिलेगा। लेकिन हमारी इस तरह की कमेटीज बनाई हुई थी कि मेडिकल करवाएं, और आपको पता है बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स मेडिकल करवाएं। ओह माय गॉड, जमाने की जहालत का अंदाजा कीजिए नाजरीन, ये बात मैंने इनके मुंह से कहलवा दी, ये इसे मैं पर्सनली तौर पे भी जानता था। जब ये बिल पास नहीं था हुआ ट्रांसजेंडर्स का, तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि मर्द और औरत की तो किसी किस्म का मेडिकल नहीं था करवाया जाता, लेकिन ये था कि ट्रांसजेंडर का मेडिकल करवाया जाता था। फिर उस मेडिकल में ये चीज़ भी जोन सी है वो उसमें ये बताई जाती थी कि ये कौन सा ट्रांसजेंडर है। नहीं अब देखें मेरी बात सुने, छोटी सी बात ये है कि आप देखें बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि उनका चाइल्ड ट्रांसजेंडर है तो उनको घर से निकाल देते हैं, ठीक है। जब भी आईडी कार्ड बनाना पड़ता था पहले तो कोई फैमिली मेम्बर्स लेके जाना पड़ता है, और अगर किसी ट्रांसजेंडर के फैमिली मेम्बर्स नहीं साथ जाने के लिए तैयार तो इसका मतलब है उसको आईडी कार्ड हक हासिल नहीं क्या। और दूसरा अगर उसको शहरी होने का हक हासिल है तो फिर आप इतनी पूरी वो एक कमेटी और पूरे जजेस क्यों बिठा रहे जो उसको जज, हमें तो कहा जाता है कि जजमेंटल नहीं होना चाहिए।
ऊपर तो मुझे पता कि जैसे मॉडलिंग करके ट्रांसजेंडर अंदर जाया करता था और उसे सब वो लोग ऑब्जर्व करते थे, तो हमारा तो वैसे भी रिलीजन शर्म हया का दर्स देता है, तो ये आप कैसे, आप खुद को मुसलमान भी कहते हैं और फिर उनके कपड़े भी उतार के आप उसको चेक भी करना चाहते हैं, तो ये कैसे शर्म है अभी? बिल तो फिर पास हुआ और पास करवाया वो कानून अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में, और ये सबसे प्रोग्रेसिव कानून है पूरी दुनिया का, और मुझे बहुत खुशी और फ़ख्र महसूस होता है कि हाँ मैं उसका हिस्सा थी। देखिए मैं बाहर भी रह सकती थी, मैं अमेरिका भी रही हूँ, यूरोप में भी रही हूँ, लेकिन मैं वापस इसलिए आई क्योंकि जो मैंने सीखा, जो मैं लर्निंग करती थी और वो अपनी कुछ चीज़ें यहाँ पर अचीव करना चाहती थी, और आई थिंक वो तभी होता है जब आप सीखते हो दूसरों को सिखाने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इसी वजह से मैं अपने मुल्क वापस आई, नहीं तो मैं नेशनैलिटी लेकर आराम से स्कूल से बैठ जाती। वो देखें एक बात, इनका तारुफ मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं बताता चला जाऊं कि कभी भी किसी मर्द को अपनी शनाख्त कराने के लिए अपने कपड़े उतार करके नंगा हो करके कुछ लोगों के सामने पेश नहीं था होना पड़ता, तो किसी भी औरत को इस तरह नहीं था करना पड़ता, जबकि दोनों की शनाख्त तो उसी वक्त तय होती जब उनके कपड़े उतारे जाते, अगर जब ये कानून नहीं था बना हुआ, लेकिन ये कानून जब नहीं था बना हुआ एक ट्रांसजेंडर के लिए लाजमुल मलजूम था कि मुझे बहुत शर्म और हया और बहुत ही हकारत के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि उसे अपने मुकम्मल कपड़े उतारने पड़ते थे और उसे बताना पड़ता था, घूमना पड़ता था, अपना साइड पोज बताना पड़ता था, उसको अपना बैक का स्ट्रक्चर दिखाना पड़ता था, फ्रंट दिखाना पड़ता था कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, और ये किसी इंसान की खतक का वो आलम था कि आज तक ना तो किसी कलम निगार ने इसके ऊपर लिखा, ना ही किसी एंकर ने आज तक प्रोग्राम इसके हवाले से किया, ना ही कम्युनिटी के बहुत सारे नाम नेहाद ऊंचे गुरुज जोन से हैं, उन्होंने भी जारी बात है फंडिंग और बहुत सारे मामला को तो तरजीह दी, लेकिन इसके ऊपर एक अरसा दराज बात नहीं की। ट्रांसजेंडर्स ने अचानक ये फैसला किया कि हमने ये कानून पास करवाना है और अपनी इस तरह की तजलील और तौहीन को माशरे को सख्ती से एक शट अप कॉल देनी है। अच्छा जन्नत मुझे ये बताएं कि मुझे आपकी आइडेंटिटी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, जन्नत के पेरेंट्स भी हैं, मामा पापा भी हैं, उनके साथ ये रहती हैं, इनके तीन भाई हैं माशाल्लाह और बहन भी हैं। जी है। मैं सबसे बड़ी हूँ अपनी फैमिली में, अपनी फैमिली के साथ भी रहती हूँ और अलग से अपनी कम्युनिटी के साथ भी रहती हूँ। कम्युनिटी के साथ दोनों फैमिलीज हैं। जी इतने मुल्क फिरने के बाद, दुनिया तो सारी एक जैसी और सारी खुदा ने बनाई है, इतनी कंट्रीज को विजिट किया है जन्नत तुमने, जन्नत 27 कंट्रीज जी आपने किया। जी तो कोई मैसेज देना चाहती हो बड़ा प्यारा सा अपने अपने टीनएजर्स को, गर्ल्स को, बॉयज को, पेरेंट्स को? दुनिया के लिहाज से या वैसे? आई थिंक दुनिया के लिहाज से दे दो। हाँ मैं जब पूरी दुनिया देखी तो मैंने एक बात उसका एक निचोड़ निकाला, वो ये मैं वो एक आयत है फाबे ये अल्लाह रब्बी कुमा तो कज़िबान, कि आप अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। ये एक नेमत है और इस नेमत को आप कैसे जुटला सकते हैं, और इतना हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा और इतनी शाइन अप ब्यूटी ट्रांसजेंडर हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन एक इंटरव्यू से पहले मैं इनसे कर चुका हूँ, वो भी आप देखेंगे, वो बिल्कुल अलग ही नौयत का होगा। आप यकीन जानिएगा कि हम गाहे बगाहे ऐसे लिटरल पर्सनैलिटीज़ के साथ मुलाकात करेंगे, इनकी अकल व दानिश से फैज़याब होंगे, इनके हुस्न व जलाल के साथ हम आप लोगों को महसूस करवाएंगे और इनकी मुस्कराहट और इनकी हंसी को आम करेंगे और इस माशरे में एक नया दौर लेकर के आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।